हेलो फ्रेंड, वेलकम टू मामूनीस किचन। फ्रेंड, आज मैं वेज सोया चंक्स बनाऊंगी, तो आपको वेज खाना पसंद है तो ये रेसिपी अपने घर में ज़रूर ट्राई करेगा। आई होप ये रेसिपी आपको बहुत ही अच्छी लगेगी। तो फ्रेंड, चलिए देखते हैं वेज सोया चंक्स कैसे बनाते हैं। वेज सोया चंक्स बनाने के लिए पहले सोया चंक्स को पानी में बॉईल करना है, इसलिए मैं पानी गर्म कर रही हूँ। पानी में एक उबाल आते ही इसमें मैं सोया चंक्स को दे दूँगी। तो मैं गैस का फ्लेम अब हाई कर दूँगी और मैं कढ़ाई को ढक दूँगी। एक उबाल आते ही मैं ढक्कन हटा दूँगी। पानी में उबाल आ गई है तो मैं ढक्कन हटा दूँगी और इसमें मैं ये सोया चंक्स को दे देती हूँ। और मैं अब इसको थोड़ा सा पानी के अंदर डुबो दूँगी। इसको मैं अब ढक दूँगी और ढक के मैं अब गैस को बंद कर दूँगी और इसे मैं अब 10 मिनट के लिए ऐसे ही छोड़ दूँगी। 10 मिनट बाद मैं इसे पानी से निकल लूँगी। 10 मिनट तक ऐसे पानी के अंदर रहने से ये सोया चंक्स सारी सॉफ्ट हो जाएगी और सारे बड़े बड़े होकर फूल जाएगी। बीच में इसे और एक बार मिक्स कर देना है पानी के अंदर, फिर से मैं ढक दूँगी। 10 मिनट हो चुकी है, अब मैं ढक्कन हटा दूँगी और इसे मैं पानी से अब निकल लूँगी सोया चंक्स को। यह देखिए फ्रेंड, सोया चंक्स को अब मैं ठंडा पानी में भिगो दिया क्योंकि यह बहुत गर्म था, इसलिए अब मैं ठंडा पानी ऐसे रिमूव कर दूंगी सोया चंक्स से। फिर इसे ऐसे निचोड़ के इस सोया चंक्स से सारी पानी रिमूव करके ऐसे प्लेट में रख देना है। सोया चंक्स में एकदम पानी नहीं रहनी चाहिए, तो ऐसे मैं अब प्लेट में रख देती हूँ। अब पैन को मैं गर्म कर लूँगी। पैन गर्म हो गई है, अब मैं इसमें तेल दूँगी 2 टेबल स्पून। अब तेल को गर्म कर लेना है। तेल गरम हो गई है, अब मैं इसमें सोया चंक्स को दे दूँगी। इसे फ्राई करना है। सोया चंक्स को 2 से 3 मिनट तक फ्राई करना है और मैं गैस का फ्लेम अब मीडियम कर दूँगी। और इसमें मैं अब थोड़ा सा नमक दूँगी सोया चंक्स में, फिर इसे मिक्स करना है। ये देखिए फ्रेंड, सोया चंक्स फ्राई हो चुकी है, इसका कलर चेंज हो गई है, आप देख सकते हैं। अब इसे प्लेट में निकल लेना है। ये सोया चंक्स को फ्राई करने से इसका अंदर का जो पानी है वो एकदम सूख जाता है, इसलिए सोया चंक्स और भी टेस्टी बनता है, इसलिए इसे फ्राई कर लेना है। तो इसे मैं अब प्लेट में निकल लेती हूँ सारी सोया चंक्स को। पैन में मैं फिर से ऑयल दूंगी 2 टेबल स्पून। इस तेल को मैं गरम कर लूँगी। तेल गरम हो गई है, अब मैं गैस को लो कर दूँगी। इसमें मुझे खड़े मसाले देना है, फिर मैं इसमें जीरा दूंगी, 2 तेज़पत्ता दूंगी और मैं दूंगी खड़े गरम मसाले। इसे थोड़ी देर तक ऐसे ही फ्राई कर लूंगी। फिर इसमें मैं जीरा पेस्ट दूंगी 2 टेबल स्पून और 1 टेबल स्पून अदरक का पेस्ट दूंगी। जीरा पेस्ट और अदरक पेस्ट को थोड़ा सा भून लेना है। जीरा पेस्ट और अदरक पेस्ट थोड़ी सी भून चुकी है, अब मैं इसके अंदर ये टमाटर को दूंगी और टमाटर को भी मैं थोड़ा सा भून लूंगी इसके साथ। अब मैं गैस का फ्लेम लो से थोड़ा सा ऊपर कर दूंगी, फिर इसे मैं थोड़ा सा भून लूंगी थोड़ी देर तक। टमाटर थोड़ा सा भून चुकी है, अब मैं इसके अंदर दूंगी पोस्तों का पेस्ट। मैं 2 टेबल स्पून पोस्तों का पेस्ट इसके अंदर दूंगी और इस पोस्तों को भी मैं मिक्स कर दूंगी सारी मसालों के साथ। पोस्तों भी मिक्स हो चुकी है, अब इसके अंदर देना है सारे पाउडर मसाले। तो मैं पाउडर मसाले को अब दे दूंगी इसके अंदर। मैं दूंगी 1/2 टीस्पून धनिया पाउडर, 1 टीस्पून लाल मिर्च पाउडर, मैं कश्मीरी लाल मिर्च दे रही हूँ, इसमें से इसका कलर और भी अच्छा आएगा। फिर मैं इसमें दूंगी हल्दी 1/2 टीस्पून और इस सारी मसालों को मैं एक साथ मिक्स कर दूंगी। इस सारी मसालों को थोड़ी देर तक भूनना है, तो मैं थोड़ी देर तक मसालों को भून लेती हूँ। फिर इसमें मैं सोया चंक्स को ऐड करूंगी। ये देखिए फ्रेंड, सारी मसाला भून चुकी है क्योंकि मसाला से तेल अलग हो रही है। तो अब मैं इसके अंदर इस सोया चंक्स को अब मैं इस मसाला के अंदर दूंगी, फिर मैं इसे सारी मसालों के साथ मिक्स कर दूंगी। इस सोया चंक्स को मैं अब मसालों के साथ 2 से 3 मिनट तक ऐसे ही भून लूँगी। ये देखिए फ्रेंड, 3 मिनट हो चुकी है और सोया चंक्स और मसाला एक साथ मिक्स हो चुकी है अच्छे से, थोड़ा फ्राई भी हो चुकी है।
अब मैं सोया चंक्स के अंदर 2 कप नारियल का दूध दूंगी। इसमें से सोया चंक्स की ग्रेवी बहुत ही टेस्टी बनेगी। अब मैं इसे मिक्स कर दूंगी सोया चंक्स के साथ। नारियल का दूध देने से सोया चंक्स बहुत ही टेस्टी बनता है, तो आप इसे एक बार घर पे ज़रूर बनाकर खाइए। ये बहुत ही अच्छी लगती है नारियल के दूध देने से। अब मैं इसके अंदर काली मिर्च पाउडर दूंगी और 4 हरी मिर्च चिरी हुई वो दे दूंगी। इस काली मिर्च और हरी मिर्च को मैं एक साथ मिक्स कर दूंगी और ग्रेवी के लिए मैं और 1 कप पानी इसमें ऐड करूंगी, नहीं तो ग्रेवी एकदम सूख जाएगी, इसलिए मैं और 1 कप पानी इसमें ऐड करूंगी। मैं इसमें 1 कप गर्म पानी ऐड कर रही हूँ, आप चाहे तो ठंडा पानी भी ऐड कर सकते हैं। इसमें अब देना है स्वाद अनुसार नमक, तो मैं नमक दूंगी स्वाद के अनुसार। मैं पहले एक बार सोया चंक्स में नमक ऐड कर चुकी हूँ, इसलिए मैं कम नमक दूंगी, तो आप अपने स्वाद के अनुसार नमक ऐड करें। इसे मैं मिक्स कर दे देती हूँ। मैं अब गैस का फ्लेम मीडियम कर दूंगी और मीडियम करके मैं 3 से 4 मिनट तक ऐसे ही ढक के पकाऊंगी। 3 मिनट हो चुकी है, अब मैं ढक्कन हटाऊंगी। ये देखिए फ्रेंड, ग्रेवी अच्छे से उबल रही है। इसे मैं और एक बार मिक्स कर दूंगी, फिर इसे मैं और एक बार ढक दूंगी और 3 मिनट के लिए। 3 मिनट हो चुकी है, अब मैं फिर से ढक्कन हटाऊंगी और इसे एक बार और मैं चलाऊंगी। ये देखिए फ्रेंड, ग्रेवी एकदम परफेक्ट बनी है, तो मैं अब गैस को बंद कर दूंगी और लास्ट में मैं ऊपर से घी दूंगी। 2 टेबल स्पून घी ऑप्शनल है, आपको ना पसंद है तो आप ना भी दे सकते हैं, लेकिन जिसको पसंद है वो दे सकते हैं। घी से इसका टेस्ट और भी अच्छा आता है। इस घी को मैं एक बार मिक्स कर दूंगी इसके साथ। ये देखिए फ्रेंड, मेरा वेज सोया चंक्स एकदम रेडी हो चुकी है, ये बहुत ही अच्छी लग रही है दिखने में। तो अब मैं सोया चंक्स को सर्विंग प्लेट में निकालूंगी। ये देखिए फ्रेंड, मेरा वेज सोया चंक्स एकदम रेडी हो चुकी है सर्व करने के लिए। आप देख सकते हैं ये बहुत ही अच्छी बनी है, तो मैं तो इसे गर्मा गर्म रोटी के साथ सर्व कर रही हूँ। आप चाहे तो इसे गर्मा गर्म चावल रोटी या फिर पराठा के साथ भी सर्व कर सकते हैं, ये खाने में बहुत ही अच्छी लगती है। तो फ्रेंड, मेरा इस वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो प्लीज़ मेरे वीडियो को आप लाइक करिएगा और मेरे चैनल को आप ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। तो चलिए फ्रेंड, मिलते हैं एक नई रेसिपी के साथ।